so many pieces all back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमज़ा, आप देख रहे हैं टेक्नो हमज़ा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सब फ्रेंड्स को खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइज़, ये मेरी वीडियो ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट काइन मास्टर वीडियो ट्यूटोरियल जो एंड्रॉयड से हमने एडिट की थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाकर वो वीडियो देखें और ये सेकेंड पार्ट है, फिर आप आकर ये सेकेंड पार्ट ज़रूर वॉच करें। तो गाइज़, बिना टाइम को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि काइन मास्टर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ज़्यादातर फ्रेंड्स कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, तो आप सिंपल टाइटल पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहाँ ऐप लिंक लिखा होगा, वही काइन मास्टर का लिंक, आप इजीली वहाँ क्लिक करके काइन मास्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप फ्रेंड्स तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम काइन मास्टर में आ रही हो तो आप मुझे नीचे फेसबुक पेज या फेसबुक आईडी का लिंक, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया है। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने वीडियो को इंपोर्ट करना, वीडियो को कट करना, राइट साइड से कट करना और मज़ीद वीडियो में इफ़ेक्ट्स किस तरह लगाने हैं और लेयर्स के ऑप्शन की बात की थी कि भैया आपने टेक्स्ट का यूज़ किस तरह करना है और वीडियो को ब्लर किस तरह करना है। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हमने मज़ीद ऑप्शंस की बात की थी कि लेयर्स की डुप्लीकेट किस तरह बनानी है और वीडियो को ट्रिम कैसे करना है, वीडियो का स्प्लिट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख ले। तो गाइस, ये मेरे पिछली वीडियोज़ की मैं थोड़ी सी क्लिप लिए ताकि आपको बता सकूँ कि मैंने यहाँ तक पिछली वीडियो बना ली थी। तो चलिए गैस, बिना टाइम गोए आपको मज़ीद आगे उस वीडियो पे बात करते हैं। तो गैस, आज के ऑप्शन में आम वीडियो की ग्राफिक्स या वीडियो को ज़्यादा क्लिप करना, स्पीड कंट्रोल करना किस तरह करते हैं, वो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो गैस, ऊपर के तीन ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सीज़र का, वॉल्यूम का और ये क्रॉपिंग का, ये तीनों ऑप्शन के बारे में पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आप जस्ट अपनी वीडियो पर क्लिक करके वीडियो की स्पीड को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो स्पीड कंट्रोल में जाके आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं ताकि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। और देखें, मैंने वीडियो की स्पीड फुल स्पीड कर दी है, फुल हाई कर दी है। देखें, अब वीडियो बहुत स्पीड में चल रही है और जो 10 सेकेंड की वीडियोज़ थी वो तकरीबन 5 सेकेंड से भी कम की हो गई है। तो उसके अलावा देखें, अगर आप कम करना चाहते हो तो यहाँ से नीचे कम भी कर सकते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात की जाए तो क्लिप ग्राफिक्स, अगर आप वीडियो जैसे आपके स्टार्ट हो, अगर आप स्टार्टिंग में कोई टाइटल्स लगाना चाहते हैं कि भाई मेरी वीडियो इस टॉपिक पर है, या उसके अलावा वीडियो के एंड में कोई टाइटल्स लगाना चाहते हैं, या कोई भी अगर आप इफेक्ट्स वगैरह जिस तरह आप वीडियो से बनाने के लिए लिख सकें कि भाई मेरी वीडियो का टॉपिक है, तो आप क्लिप ग्राफिक्स में जाकर लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रोटेट मेरी का। तो गाइस, अगर आप वीडियो को अपनी रोटेट करना चाहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस तरह आपका दिल चाहे, अगर आप वीडियो को करना चाहते हैं तो आप इधर से जाके जस्ट ये हीरो के आइकन पे क्लिक करके वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन के बारे में आपको बताता चलो, उसका नाम है ग्राफिक कलर फिल्टर। तो गाइस, अगर आप कलर फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं कि अपनी वीडियो को ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, या कोई ओल्ड इफेक्ट डालना चाहते हैं, या कोई ऐसे स्टेटस बनाते हैं कि व्हाट्सअप के वहाँ आपको अक्सर इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ कलर फिल्टर्स में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रोफेशनल वीडियो एडिटर है, इसमें तमाम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स फिल्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप चाहे तो अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात कीजिए कलर एडजस्टमेंट। अगर आप नहीं जानते कि कलर एडजस्टमेंट क्या है, अगर आप अपनी वीडियो में किसी जगह अगर फेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्राइटनेस कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आप सिंपली यहाँ पर आके उसकी सेटिंग कर सकते हैं, अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है वॉल्यूम इनवॉल्यूम का। तो गाइस, अगर आप वॉल्यूम इनवॉल्यूम के बारे में नहीं जानते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बाकी किसी भी वीडियो एडिटर में मौजूद नहीं है। तो गाइस, अगर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अगर आप वॉइस में अगर आपको कुछ मसला आ जाता है कि किसी जगह वॉइस कम आ जाती है या किसी जगह वॉइस बहुत ही हाई आ जाती है, तो आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई अपनी वॉइस को किस तरह कंट्रोल करें, या इस पॉइंट से आपने अपनी वॉइस को हाई करना है या लो करना है, जिस पॉइंट से आपने हाई लो करना है आपने उसको प्लस करके एक निगेटिव लगा देना है, उसके बाद आप वॉल्यूम के बटन से
कम ज़्यादा अपनी वॉइस को कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वॉइस बिल्कुल कम करके प्ले करके आपको दिखाता हूँ। मैं आपको वीडियो की वॉइस नहीं सुना सकता क्योंकि चैनल पर कॉपीराइट आ सकती है, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसे इस तरह यूज़ करना है। तो उसके बाद गाइस अगले ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता रहूँ, ऑडियो फ़िल्टर। ऑडियो फ़िल्टर फ्रेंड्स अगर आप नहीं जानते तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपको लगे कि मेरी वॉइस ठीक नहीं है तो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे, तो आप यहाँ से वॉइस चेंजर यूज़ कर सकते हैं। इधर 4-5 किस्म की वॉइस आपको मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी वॉइस हैं, तो आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं और वॉइस चेंज कर सकते हैं अपनी। उसके बाद अगला ऑप्शन है विग्नेट। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये सिंपली टेक्स्ट को पीछे से शेडो लाने के लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादा काम तो नहीं आता, सिंपली शेडो लाने के लिए यूज़ होता है। तो गाइस मैंने वीडियो की ग्राफिक्स के बारे में तक कंप्लीट आपको बता दिया है और अब मैं इसके अंदर बहुत बताने वाला हूँ कि आप किस तरह राइट ट्रिम पहले मैं कर चुका हूँ तो बट मैं इधर करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो गाइस अब सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें यह भी मौजूद है कि क्रोमा की का। तो फ्रेंड्स अगर आप क्रोमा की के बारे में नहीं जानते तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्रोमा की का यूज़ किस तरह करना है, अपनी वीडियो में क्रोमा की किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस सर उस क्रोमा की में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आप वीडियोस में जाके अपनी वॉइस बिल्कुल ज़ीरो करके उसके बाद यहाँ से नीचे स्टार्ट वॉइस पर भी अपनी वॉइस वीडियो में रिकॉर्ड करने के बाद भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं ख़ुद इसी तरह यूज़ करता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस आप वॉइस में जाके यहाँ से वॉइस यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई माइक वगैरह कनेक्ट करके इसकी वॉइस को ज़्यादा हाई और HD वॉइस में ला सकते हैं कि मतलब क्लियर वॉइस आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको क्रोमा की के बारे में बता देता हूँ। क्रोमा की यानी कि एक ग्रीन स्क्रीन होती है, अगर आप अपना फेस रिकॉर्ड करते हैं तो आप पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के फेस रिकॉर्ड करते होंगे। तो गाइस अगर ग्रीन स्क्रीन लगा के आप फेस रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम वीडियो एडिटर्स में ये मौजूद है, खासकर डेस्कटॉप वीडियो एडिटर में क्रोमा की पाया जाता है, उसके अलावा किसी भी वीडियो एडिटर में ये आपको नहीं मिलेगा सिवाय फिल्मोरा के। तो गाइस अगर आप क्रोमा की में जाके आप जस्ट क्लिक करके ऑन कर दें और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दें तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि आपका ग्रीन स्क्रीन पीछे से गायब हो चुकी है। अगर आप कहीं पर बैकग्राउंड भी रख के अपना फेस रिकॉर्ड करें और वहाँ पर आके अपनी वीडियो इंपोर्ट करें और क्रोमा की ऑन कर लें तो आपके पीछे वो वाला बैकग्राउंड आ जाएगा, वो ग्रीन स्क्रीन हट जाएगी। देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि आपने देखा कि मैं अपनी वीडियो में भी इस तरह का सब्सक्राइबर बेल आइकन लगाता हूँ, वो बिल्कुल क्लियर वॉइस के साथ आ रहा है और क्लियर HD में आ रहा है। तो आप सिंपली इस तरह ग्रीन स्क्रीन का अपने फेस के मतलब कि अपनी फेस ला के जो आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो एंटर की। अगर आप ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ से अपनी कोई भी ऑडियो क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है कि मतलब जो आपको गड़बड़ लग रही है तो आप अपनी ऑडियो डाल के उसकी वॉल्यूम कम करके यहाँ एंटर कर सकते हैं। और जहाँ से आगे बढ़ी आपने उसके बाद क्लिक करके ट्रिम टू राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड से अगर आप कट करना चाहते हैं तो ट्रिम टू लेफ्ट साइड से भी आप अपनी ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसका वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं जो आपका दिल जाए, 8, 16, 12 जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर सॉन्ग एंटर कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद तकरीबन मैंने तमाम इसके ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। तो गाइस अगर आपको अब भी इसमें मसला आ रहा हो या कायन मास्टर में कोई भी मसला आ रहा है तो आप मुझे फेसबुक आईडी फेसबुक पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और गाइस मैंने दो ही वीडियोस में मुकम्मल बता दिया कि आपने कायन मास्टर को यूज़ कर किस तरह करना है। और बहुत कम यूट्यूबर्स दो ही वीडियोस में बनाते हैं क्योंकि वो 6 से 7 अपने ट्यूटोरियल बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकें, वॉच टाइम पा सकें। तो गाइस मैंने सिर्फ 2 ट्यूटोरियल बनाए हैं तो आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को सेव करना है, ऊपर से आपने हीरो के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने शेयर जैसे आइकन पर क्लिक करना, अगर आप यहाँ से अपनी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। वरना कि ऊपर सेव वीडियो टू गैलरी, अगर HD लो क्वालिटी फुल HD आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन मिल जाएंगे तो मैं फुल HD में सेव कर लेता हूं, उस तरह आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस देखें कुछ वेट कर लें तो आपकी वीडियो मुकम्मल एक्सपोर्ट हो जाती है, तो तकरीबन एक्सपोर्ट होने में टाइम लगता है। तो गाइस मैं यहां वीडियो को ख़त्म करना चाहूंगा क्योंकि एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और यहां जो टाइम शो करता है रियल टाइम नहीं होता। अगर ये 5 मिनट 40 सेकेंड शो कर रहा है तो फिर ये 2 मिनट में आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस अगर ये ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप फ्रेंड्स तक जो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज़।